हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में लिजा का कॉमिक विशेषांक कॉकरोच का दूसरा और अंतिम भाग। इधर इंस्पेक्टर काले पर सवार हो रही थी बेचैनी। उफ, आखिर कोई ना कोई तरकीब तो होगी उस पूरे सिस्टम को फेल करने की। नो सर, इसका सिस्टम ऑटोमेटिक है और इसे विद्युत लॉकर रूम के ठीक नीचे बने जनरेटिंग रूम से मिलती है, जिसका प्रवेश लॉकर से ही संभव है। ये सिस्टम एक ही सूरत में फेल किए जा सकते हैं, जबकि स्पॉट नंबर वन यानी वॉल्ट रूम का मुख्य प्रवेश द्वार किसी प्रकार खुल जाए। जब तक ये प्रवेश द्वार खुला रहता है, सिस्टम फेल रहता है। और स्पॉट वन के द्वार को खोलने की चाबी चीफ के पास रहती है, जो कि उनके पास हमें नहीं मिली। डैम इट, तो फायर टॉर्च से काट डालो उस दरवाजे को। बर्फ की पुतली बनी दरवाजे के निकट ही गिर पड़ी लिजा। उफ, हे भगवान, मुझे शक्ति दे भगवान। हौसले बुलंद हो तो फिर मंजिल दूर कैसे रह सकती है। काट, उफ। लिजा ने सांस रोककर अपने जिस्म की गर्मी को एकत्रित किया और इंस्पेक्टर काले के नेत्र में काटा जाने लगा था वह दरवाजा। जल्दी करो, लिजा को बाहर लाने के लिए दरवाजा काटना जरूरी है। चेहरे पर मास्क लगाए स्पॉट थ्री से निकला जा रहा था कॉकरोच। लिजा की कुल्फी जम गई होगी स्पॉट फोर पर। एकाएक ही ठिठक कर रुक जाना पड़ा उसे। फिर तू क्या समझता था कि लिजा तुझे इतनी आसानी से निकल जाने देगी? नीच शैतान, तू नहीं जानता कि इस बक्से में तो अपनी मौत भी लेकर जा रहा है। लिजा, क्लोरोफॉर्म वेपर्स हम दोनों के लिए प्राण घातक है। कॉकरोच ने लंबी उछाल भरी। उफ नहीं, मेरा मास्क। एक क्षण का विलंब किए बिना लिजा ने सांस रोक लिया। आगे बढ़कर कॉकरोच ने घूंसे की जबरदस्त चोट लिजा के चेहरे पर करनी चाहिए। वार करते समय मुझे ध्यान रखना होगा कि इसकी बेल्ट से बंधे बॉक्स को कोई नुकसान न पहुंचने पाए। ब्लैक बेल्ट चैंपियन की उंगलियों के वार अपनी आंखों पर पड़ने से तड़प उठा कॉकरोच। खट से लिजा की सैंडलों के अग्र भाग पर दिखाई पड़े वे नन्हे चाकू जो जा धसे कॉकरोच की पिंडलियों में। मैं अधिक समय तक सांस रोके नहीं रख सकती, स्पॉट थ्री से जल्दी निकलना होगा। और तब कॉकरोच आ गया अपने खौफनाक रूप में। लिजा, अब तो मुझे नहीं रोक पाएगी। ओह, इसके पंख दोबारा हो गए? पिछली टक्कर में लिजा ने ही उसके पंखों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उड़ते हुए कॉकरोच की ठोकर लिजा के सिर से टकराई। उफ, लेकिन इस समय होश खो देने का अर्थ था मौत। नहीं, नियंत्रण, नियंत्रण। मुझे अपनी विल पावर एकत्रित करके मस्तिष्क को एक पल के लिए भी अंधेरे में भटकने से बचाना होगा। सफलता मिली भी उसे। स्पॉट टू की छत से होकर रेंगती चली गई लिजा। ये कीड़े में कैसे बदल जाता है? क्या उसी नकली प्रोफेसर आचार्य की किसी तंत्र शक्ति के बल पर? लिजा कॉकरोच को पुनः कीड़े में परिवर्तित हुआ देख रही थी और इस बार लिजा के आगमन पर जबरदस्त घनघनाया अलार्म। यहाँ कॉकरोच को पकड़ने का सुनहरी अवसर है मेरे लिए, क्योंकि बंद द्वार से एक कीड़े के रूप में ही निकलने की चेष्टा करेगा। लपलपाई लिजा की जीभ। जन्म के कीड़े अब तो फंसा मेरे शिकंजे में। कॉकरोच को पुनः अपना रूप परिवर्तित करना ही पड़ा। ओह, ये तो मुसीबत खड़ी कर रही है। हवा में उछल कर आई लिजा को उसने ठोकर पर रोक लिया और इसी पर भाग से अंदर आ गिरा मुख्य द्वार। भाग! ओह, अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। और साए से निकल गया वह नन्ना सा गंदा व ढीठ प्राणी। ये कॉकरोच है, फायर, किल हिम! एक कीड़े को मारने के लिए चली सैकड़ों गोलियां। धाए धाए धाए! उफ, क्या अब उसे पकड़ पाना आसान होगा? कॉकरोच समा गया दरवाजे की झिर्री में। कॉकरोच के पीछे टॉयलेट में प्रवेश करने वालों में सबसे पहले थे इंस्पेक्टर काले और लिजा। गायब, वह किसी नाली से होकर निकल गया, मगर कब तक बचेगा? मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगी। मिस्टर खुल्लर की जेब से मुख्य प्रवेश द्वार की चाबी भी कॉकरोच ने निकालकर कहीं फ्लश में बहा दी होगी। लिजा भी खिड़की के रास्ते से बाहर निकलती चली गई। अरे ठहरो लिजा, अब यहाँ मेरे रुकने का कोई लाभ नहीं है इंस्पेक्टर काले। उधर बैग के साथ उस वैन में समा गया था कॉकरोच। मैं मूर्ति वाला बैग ले आया हूँ प्रोफेसर तुलिप। गुड! फर्राटे के साथ वैन उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ चली। इसी के साथ आश्चर्य से फैल गई प्रोफेसर तुलिप और कॉकरोच की आंखें। प्रोफेसर, यह हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? वैन के टायरों को निशाना बना रही थी वे गोलियां। था बुरी तरह तरह अनियंत्रित हुई वह वैन उछली वह और कई कलाबाजियां खाती चली गई। कॉकरोच चंप! तीव्र वेग से भूमि से टकराने के कारण कॉकरोच के हाथों से छूट गया बक्सा। उफ! इधर गोलियों की आवाजों से उछल पड़ी थी वहां से गुजरती लिजा। गोलियां चलने की आवाज़ है, क्या गड़बड़ है? कॉकरोच की निगाहें जा चुकी उस लेदर बैग पर। ओह, बक्सा खुल गया है और मूर्ति वाला बैग बाहर आ गिरा है।
इधर प्रोफेसर तुलिप का सिर टकराया था एक पत्थर से। मूर्ति तो मैंने हासिल कर ली मगर प्रोफेसर तुलिप के शायद सिर पर चोट लगी है, तभी उछल पड़ा कॉकरोच। ओह ये तो लिजा है, ये कमबख्त यहाँ भी आ पहुंची। प्रोफेसर तुलिप भी होश में आकर उधर ही देख रहा था, हेलीकॉप्टर वाली पार्टी भी वहां आ पहुंची थी। प्रोफेसर मैं इन लोगों को अभी ठिकाने लगा देता हूँ। नहीं यहाँ से निकलो, फिलहाल मूर्ति हमारे कब्जे में है, अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो हेलीकॉप्टर पार्टी जल्दी करो, हमें उस बक्से की ज़रूरत है। बक्से में बैग सुरक्षित है टोनी, मगर वे दोनों कहाँ गए? जब हमसे नहीं टकराए तो इसका मतलब पड़े होंगे कहीं बेहोश होकर। उनकी किस्मत अच्छी थी कि लिजा सिर्फ एक पल बाद वहाँ पहुँची थी। उफ निकल गए, मगर वे कौन थे? उनके पास वही बक्सा था तो क्या उन्होंने वो बक्सा कॉकरोच से छीन लिया? गोलियाँ इन्हीं बदमाशों ने चलाई होंगी जिससे कॉकरोच और प्रोफेसर वाली वैन पलट गई, मगर कॉकरोच और प्रोफेसर कहाँ गए? कॉकरोच और प्रोफेसर तो उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। दिखाई दी झाड़ियों में पड़ी चमचमाती वह चीज़, टाइटन रिस्ट वॉच। ये तो बिल्कुल नई लग रही है और महंगी भी, शायद ये कलाई घड़ी मुझे इसके मालिक तक पहुंचने में मदद करे। प्रोफेसर तुले पर कॉकरोच, कॉकरोच जल्दी करो वह बैग खोलकर मूर्ति मुझे दे दो। ओके प्रोफेसर। कॉकरोच ने बैग की डोरी खोल डाली लेकिन प्रोफेसर धोखा हो गया, इसमें मूर्ति नहीं है। क्या? उफ सारी मेहनत पर पानी फिर गया, यह कांच का टुकड़ा हमारे किसी काम का नहीं। उस तिजोरी में तो मूर्ति वाला बैग होना चाहिए था, काफ़ी मेहनत के बाद सम्मोहन में बांध पाया था मैं उसे, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमांडो से मैंने सचिव उगलवाया था, तो फिर मूर्ति कहाँ गई? एक मिनट सोचने दो कॉकरोच, यह सोचने दो कि हेलीकॉप्टर में सवार वे हमलावर कौन थे और उन्हें हमारे मिशन की जानकारी कैसे हुई। अब मुझे याद आ रही है वह न्यूज़ जिसे दिन में असिस्टेंट सिक्योरिटी कमांडो से वॉल्ट तक पहुंचने की सुरक्षा व्यवस्था में मूर्ति की जानकारी ले रहा था। हो ना हो उस वायरस बम को भी उसी तिजोरी में रखा गया होगा क्योंकि मूर्ति से अधिक सुरक्षा की जरूरत उसे थी। इसका मतलब बक्से में दो बैग थे, एक में वो मूर्ति और एक में ये वायरस बम। ये वायरस बम है बेवकूफ, जिसे तुमने कितनी लापरवाही से फेंक दिया था। अगर ये टूट जाता तो हमें शायद तड़पने का भी अवसर ना मिलता। उसी दिन समाचार पत्र में मैंने वह छोटी सी न्यूज़ पढ़ी थी। क्या? कांप कर रह गया कॉकरोच। लेकिन उस बक्से में दो बैग थे, ये बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो प्रोफेसर क्लिप? इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर में सवार हमलावरों ने हमें तलाश करने की ज़रूरत नहीं समझी। उन्हें बक्से में दूसरा बैग दिखाई पड़ गया होगा जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने हम पर हमला किया था। लेकिन उन्हें मूर्ति चाहिए थी या वायरस बम? वायरस बम, मूर्ति उनके किसी काम की नहीं। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि मैं वायरस बम लेने जा रहा हूँ? इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। ओह लेकिन अब मूर्ति मुझे ज़रूर मिल जाएगी। उन्हें वायरस बम चाहिए और हमें मूर्ति, यानी अदला बदली। और तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? मैं हेलीकॉप्टर पार्टी के मुखिया की सूरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं उस आदमी से मानसिक संपर्क जोड़ूंगा, वह मुझे बताएगा मूर्ति का पता। टोनी ग्लासवेयर में वह समय छुट्टी का समय था, लेकिन दीवार पर सरसराकर भीतर जाता वह साया निश्चित रूप से लिजा का था। अपनी पहली कोशिश में ही टाइटन के उस शोरूम को मैं ढूंढने में सफल रही जहाँ से रिस्ट वॉच 2 दिन पूर्व ही खरीदी गई है, और ख़रीदने वाला है टोनी ब्रिगेंजा, जो काले धंधों से अपने बचाव के लिए ग्लासवेयर की एक फैक्ट्री भी चलाता है। रसीद की कार्बन कॉपी पर उसने कहीं यहीं का पता दिया हुआ है। ग्लासवेयर की ये बेहतरीन आइटम्स हैं, ₹50,000। अचानक बेहद फुर्ती के साथ लिजा अपने स्थान से हट गई और खनाक, आई खतरा। आक्रमणकारी बेहद आक्रामक था। क्या टोनी ब्रिगेंजा यह अपना ही नुकसान करने पर तुला हुआ है? उसके आक्रमण की गति भी बहुत तेज है, मेरे एक भी वार करने से पूर्व इसने कई बार मुझ पर कर डाले हैं। यह बात दूसरी है कि अब तक इसका कोई भी वार मुझ पर नहीं चला है। इस बार लिजा ने ना सिर्फ उसका वार ही बचाया बल्कि उस पर वार भी किया। अब तक मैं डिफेंसिव मूड में थी, अब तुम डिफेंसिव मूड में आ जाओ बच्चू। टोनी पगला सांड की तरह पुनः आया, खनाक कर दिया ना 50,000 का नुकसान। इस बार फुर्ती के साथ लिजा अपने एक पांव के बल पर बैठ गई। इसी के साथ उसने तीव्र गति के साथ अपनी दूसरी टांग घुमाई, धड़ाक। हवा में उछला लिजा का शरीर, धड़ाक। कई कलाबाजियां खाता हुआ पीछे फर्श पर टकराया टोनी ब्रिगेंजा। तब अचानक अरे इसे अचानक क्या हुआ? प्रोफेसर तुलिप ने विजय मुस्कान के साथ आगे खोली, कॉकरोच मूर्ति का पता चल गया, अब हमें उसे लेने जाना है। प्रोफेसर तुलिप कहाँ है मूर्ति? प्रोफेसर तुलिप उसे बताता चला गया मूर्ति के बारे में, जबकि उसी अज्ञात प्रयोगशाला जैसी जगह पर। पीटर, वायरस बम वाला बैग कॉकरोच के पास चला गया और मूर्ति वाला बैग हमारे पास आ गया। लेकिन डिकॉस्टा साहब,
भारत सरकार को इस मूर्ति को भी उसी सुरक्षित वॉल्ट में रखने की क्या जरूरत थी? हमें इन बेकार के प्रश्नों में पढ़ने के स्थान पर यह सोचना होगा कि हमें वायरस बम कैसे हासिल होगा। बोस्टन से यह बम यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि उसका विस्फोट कई शहरों में करके हम भारत की जड़ें हिला सकें। अगर वह बम ही हमारे हाथ ना लगा तो हमारी सारी योजना धूल में मिल जाएगी। लेकिन डिकॉस्टा बॉस, आपको ये कैसे पता चला कि मिनी टावर के बेहद सुरक्षित वॉल से वायरस बम की चोरी होने वाली है? कॉकरोच की फरारी के बाद सेल नंबर 10 पर तैनात सुरक्षाकर्मी गोपीचंद की लाश के बाद उन्हीं परिस्थितियों में मिनी टावर के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमांडो की लाश भी मिली तो मैं समझ गया कि इस बम को ही चुराने की कोशिश अब कॉकरोच करने वाला है, क्योंकि उससे कीमती तो अंगारा का खजाना भी नहीं है। इसलिए मैंने टोनी ब्रिगेंजा को उस वक्त उस पर हाथ डालने का काम सौंपा था जब वो कामयाब हो जाए, किंतु नहीं, उन्हें मूर्ति ही चाहिए थी जिसकी वापसी के लिए उन्होंने हमसे संपर्क बनाया। पीटर, वो देखो, विमान बम की प्रतीक्षा में खड़ा है। बम मिल जाए तो तत्काल ही भारत की तबाही का कार्यक्रम शुरू कर दूं, क्योंकि सारा इंतजाम विमान में ही है। ओह, बस हम ले आए डिकॉस्टा। बुरी तरह से उछल पड़े थे दोनों विदेशी। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? काम की बात करो डिकॉस्टा, मुझे प्रोफेसर तुलिप कहते हैं। हम वायरस बम देने आए हैं। तुम हमें वह मूर्ति दे दो और बम कॉकरोच तुम्हें दे देगा। ये मूर्ति किसी काम की नहीं पीटर, मूर्ति कॉकरोच को दे दो। लेकिन ये मूर्ति हमारे बहुत काम की है, अदला बदली हुई। इस मूर्ति में ऐसा क्या है? ये समझ लो कि ये तुम्हारे वायरस बम से भी ज़्यादा खतरनाक है, मगर अब तुम चुप ही रहना। मूर्ति वाला बैग लेकर जाने के लिए पलट गया कॉकरोच, लेकिन इसी क्षण जैसे विद्युत सिकौंदी, ताक! तुम यहाँ कैसे पहुंची? कहाँ जाते हो कॉकरोच? और तुम प्रोफेसर तुलिप, लिजा से तो मिल लो। टोनी ब्रिगेंजा को टॉर्चर करके मैंने सब कुछ पूछ लिया। फिर मैंने प्रोफेसर तुलिप का मानसिक संदेश उसके द्वारा जबरन डिकॉस्टा तक पहुंचवाया, ताकि तुम सबको एक साथ टोनी की तरह जेल पहुंचवा सकूं। लिजा को वहां देखकर आंखें फैल गई थी डिकॉस्टा और पीटर की। छनाक! ये क्या बला है? उफ, भागो पीटर! लपलपाई लिजा की जीभ और उसमें फंसकर रह गया पीटर। डिकॉस्टा साहब, आह! कनपटियों तक शोर को उठा था लिजा का चेहरा। कराटे, आह! लिजा के वतन की ओर उठने वाली नापाक निगाहें फोड़ डालती है लिजा। चीख कर गिरा पीटर तो फिर उठ ना सका। इधर प्रोफेसर के संकेत पर उछल कर खड़ा हो गया कॉकरोच, आंखों में थे हिंसक भाव। बस लिजा, आज तुझे मेरे हाथों मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। किल हर कॉकरोच! कॉकरोच तेजी से सरसराया था। उफ! लिजा ने संभल कर वार किया तो कॉकरोच बदल गया कीड़े में। ओह, इससे मैं ऐसे ही निपटूंगा। छड़ के 1,00,000वें हिस्से में ही कॉकरोच ने पुनः अपना रूप परिवर्तित किया और किया वह घातक वार। आह! उड़कर लिजा के कंधों पर पहुंचा नन्ना कॉकरोच पुनः बदला कॉकरोच मानव में, और इसी पल चकरा गई लिजा की खोपड़ी। लिजा, तू मुझसे अब जीत नहीं पाएगी। इस बार बेहद फुर्ती से लिजा ने झपट कर उठा लिया वे ढक्कनदार मजबूत कांच का जार। और कॉकरोच, अगर तू इस तरीके से लड़का दुश्मन पर वार कर सकता है तो मत भूल कि तेरा यही तरीका कंधे से जमीन पर कीड़े के रूप में बदलकर उछला कॉकरोच। शैतान डिकॉस्टा निकला जा रहा है, तेरे लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है। लिजा ने जार पर कस दिया धक्कन और इस बार कॉकरोच की रूप परिवर्तन की इच्छा मन में ही रह गई। उफ, ये क्या, मेरा शरीर विस्तार नहीं ले पा रहा। अब तू ये चेष्टा मत कर कॉकरोच, क्योंकि जब तक तेरे शरीर को विस्तार लायक जगह नहीं मिलेगी वो मानव रूप नहीं ले सकता। लिजा के कानों में गूंज उठी कॉकरोच की आवाज। लिजा, मैंने डिकॉस्टा से टोनी ब्रिगेंजा द्वारा अपने पर हुए आक्रमण का बदला लेने के लिए उसके विमान में रखी गई थैलियों में से एक में छोटा मगर शक्तिशाली टाइम बम रख दिया है। इसी विमान में वो वायरस बम लेकर जा रहा है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी अपने देश और अपने प्यारे देशवासियों को बचाने के लिए। नहीं, और प्रोफेसर तुरंत मूर्ति लेकर कहाँ गया? दगाबाज प्रोफेसर अपना मतलब हल होते ही मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया? लिजा ने कॉकरोच वाले जार को बेहद सावधानी के साथ एक सेफ नुमा अलमारी में कैद कर दिया। इधर उस विशेष रनवे पर दौड़ पड़ा था वह स्वचालित विमान। अपना काम खत्म करके मैं इसी विमान से अपने देश वापस लौट जाऊंगा। वायरस बम से निकाल कर मैंने इस विशेष मशीन द्वारा वायरस को इन शॉक प्रूफ थैलियों में मौजूद कांच की बॉल्स में भर दिया है, और अब प्रत्येक शहर पर एक थैली खाली करता चला जाऊंगा मैं। तभी विमान को लगा तीव्र झटका और ओह, वायरस की सभी थैलियां फर्श पर गिर गईं। मगर विमान को ये झटका लगा कैसे? खनाक से टूटा खिड़की का शीशा। लिजा, डिकॉस्टा, तुम्हारे स्वार्थ के कारण लाखों की जिंदगियां दांव पर लग गई। अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करके सारी दुनिया को तुम्हारे देश के गंदे इरादों से अवगत कराऊंगी। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
तुम तो खुद बारूद पर बैठे हो डिकॉस्टा, क्योंकि काकरोच ने इस विमान में इन थैलियों में कहीं टाइम बम रख दिया है। नहीं, सिर्फ 2 मिनट रह गए थे टाइम बम फटने में। टिक अगर मैंने हत्या न करने की कसम न खाई होती तो आज मैं तेरे जैसे दरिंदों को अपने हाथों से अवश्य खत्म कर डालती डिकॉस्टा। उस वक्त जुनून सा सवार हो गया था लिजा पर। ठाक, उफ, ना जाने बम कब फट जाए। डिकॉस्टा झपट पड़ा लिजा पर। बम का नाम लेकर तू मुझे डरा नहीं सकती लिजा, डिकॉस्टा ने आपातकालीन द्वार खोल दिया। इसी पर लिजा ने डिकॉस्टा को पुनः पीछे उछाल फेंका। धूरत शैतान! नीचे गिरते ही डिकॉस्टा ने जेब से निकाल लिया साइनाइड युक्त वह चाकू। डिकॉस्टा ने पुनः लिजा पर जंप की। इसी पर लिजा फुर्ती के साथ नीचे झुक गई और लेकिन अभी जिंदगी मेहरबान थी उस पर। मुझे बचा लो लिजा। क्यों क्यों ना मरी जाने दूं मैं तुझे, क्योंकि यह हत्या नहीं होगी। तू अपनी ही मौत मर रहा दरिंदे, लेकिन मैं तुझे जरूर बचाऊंगी, पर तब जबकि मैं उस बम को ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगी। बम कौन सी थैली में होगा? उफ, नहीं, उफ। केवल 50 सेकंड रह गए थे बम फटने में। अगर ये धमाका हो गया तो पूरे शहर पर मौत का अधिकार हो जाएगा। उफ, ये थैलियाँ विशेष रूप से बनी हैं जिनके अंदर कांच की बॉल्स फिट हैं। इन थैलियों के नीचे की ओर वाली जगह में ही कहीं कॉकरोच ने बम रखा होगा और मुझे उस थैली की तलाश है। और तब अचानक पाली लिजा ने वह थैली। मिल गया बम। कॉकरोच ने इसी थैली का निचला हिस्सा काटकर उसमें बम लगा रखा है। बम फटने में केवल 7 सेकंड। उफ, लिजा ने अपने पैने नाखूनों की मदद से उस थैली में से खींच लिया बम को और छनाक! आकाश गूंज उठा उस प्रचंड धमाके से। धाम! लिजा ने विमान से लटके डिकॉस्टा को ऊपर खींचा। डिकॉस्टा को बिठाया उसके विमान की पायलट सीट पर और तब लिजा की सूचना पर इंस्पेक्टर काले के नेतृत्व में डिकॉस्टा को उस खुफिया अड्डे पर छापा मारा गया। कॉकरोच आखिर एक बार फिर लिजा के ही चंगुल में फंसा और अब कॉकरोच के लिए सेल नंबर 10 में सुरक्षा की और भी तगड़ी व्यवस्थाएं की जा रही थी। इधर लिजा को सिर्फ एक ही बात का दुख था, प्रोफेसर तुलिप मेरे हाथों से बच निकला और अब उसके पास अंगोरा की मूर्ति भी है। शायद अगली बार वह एक भयानक रूप में सामने आए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स जंगल के चोर में। तब तक के लिए धन्यवाद।